इलेक्ट्रिक पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त शहबाज मलिक और आज मैं आपके लिए वेल्डिंग मशीन के ऊपर एक वीडियो लेकर आया हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वेल्डिंग मशीन किस तरह से काम करती है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, कितने तरह की होती है और अगर वह खराब हो जाए तो आप उसको अपने घर पर आसानी से किस तरह से ठीक करेंगे। तो केवल आज इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे वेल्डिंग मशीन की। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी की मदद से आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जनरली वेल्डिंग मशीन कई तरह की आती हैं, जिसमें गैस फ्लेम वेल्डिंग और इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, लेज़र वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, फ्रिक्शन और अल्ट्रा वायलेट। इसमें से लेज़र, इलेक्ट्रॉन, फ्रिक्शन, अल्ट्रा वायलेट जैसी वेल्डिंग मशीन्स इंडस्ट्री में और काफ़ी बड़े लेवल पर इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन जो आपने देखी होंगी नॉर्मली शॉप पर या फिर जो आपके पास आपके पास भी होगी, वह या तो गैस वेल्डिंग होगी या फिर इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होगी। तो मोस्ट कॉमन यही दो वेल्डिंग हम इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अगर बात करें वेल्डिंग मशीन के सिद्धांत की तो यह इस सिद्धांत पर काम करता है कि जब हमें दो धातुओं को आपस में जोड़ना होता है तो एक तीसरे धातु की मदद से जिसका गलनांक पॉइंट या जिसमें वह पिघल जाए वह उन दो धातुओं से कम होता है जो हम जोड़ना चाहते हैं। जब उस तीसरी धातु में हाई वोल्टेज या हाई करंट को दिया जाता है तो वह तीसरी धातु पिघल जाती है और उस पिघली हुई धातु से हम अपनी दो धातु को आपस में चिपका देते हैं या जोड़ देते हैं। तो यह दोस्तों हमारी वेल्डिंग मशीन का सिद्धांत होता है। तो हमें इसमें ज़रूरत होती है या तो हाई वोल्टेज की या फिर हाई करंट की। तो बस पूरी की पूरी वेल्डिंग मशीन एक SMPS पावर सप्लाई की तरह काम करती है, जिसमें हमारी वोल्टेज को इंक्रीज किया जाता है या फिर हमारी करंट को इंक्रीज किया जाता है। लेकिन जनरली जो वेल्डिंग मशीन आप अपने घर पे इस्तेमाल करते हैं या आपने शॉप पर देखी होगी, उसमें करंट को इंक्रीज किया जाता है और वोल्टेज को कम किया जाता है। तो आज हम जो वेल्डिंग मशीन आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं उसमें भी करंट को इंक्रीज किया गया है और वोल्टेज को कम किया गया है। अगर आप इसके मेन सर्किट में देखें तो सबसे पहले हमारी AC 220 वोल्टेज हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर आएगी और इसके बाद यह ब्रिज वेव रेक्टिफायर डायोड और फिल्टर कैपेसिटर की मदद से DC में कन्वर्ट हो जाएगी और उसके बाद यह जाएगी ट्रांजिस्टर में, जो ट्रांजिस्टर स्विचिंग मोड से इसको वर्गाकार लहरों में परिवर्तित कर देगा और इसके बाद यह वर्गाकार लहरें ट्रांसफार्मर के अंदर दी जाएंगी, जिससे यह वोल्टेज को स्टेप डाउन किया जाएगा और फाइनली जब हमें आउटपुट पे जो हमारे इलेक्ट्रोड होंगे उस पर हमें 24 वोल्ट 200 एम्पीयर की वोल्टेज हमको मिल जाएगी। वोल्टेज कम होगी, करंट बढ़ जाएगा। वोल्टेज कम करने का कारण यह है कि जब हमारे कैथोड और एनोड को आपस में शॉर्ट किया जाएगा तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज बहुत कम है, इसलिए वोल्टेज को 24 वोल्ट किया गया है और एम्पियर को इंक्रीज कर दिया गया है, जिससे हीट फैक्टर बहुत ज़्यादा होगा और हमारी जो फिलर मटेरियल होगा, जो थर्ड धातु हम इस्तेमाल करेंगे जो गलेगी, वह पिघल जाएगी और हमारी दो धातु आपस में जुड़ जाएंगी। तो दोस्तों, आज मैंने यह कार्य प्रणाली आपको बता दी है कि वेल्डिंग मशीन किस तरह से काम करती है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं और अगर यह खराब हो जाए तो आप किस तरह से कैसे इसको ठीक करेंगे। इसमें आप देखें, इसके सर्किट में अगर आप एक बार और देखें तो इसमें खराब होने के वल्नरेबल कंपोनेंट कौन कौन से हैं, वो होते हैं इसका फिल्टर कैपेसिटर हो गया और इसके ब्रिज वेव रेक्टिफायर डायोड हो गए और इसका ट्रांजिस्टर जो स्विचिंग मोड पे जो वोल्टेज को वर्गाकार लहरों में परिवर्तित करता है और इसका ट्रांसफार्मर हो गया और इसके अंदर जो और भी IGBT इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं, तो वह खराब होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर आपका यह खराब है तो आप इन पुर्जों को चेक करें, बेशक ही आप अपनी वेल्डिंग मशीन को बड़े आराम से ठीक कर लेंगे। तो दोस्तों, हमने आपको दिखाया भी है, तो देखिए हमारे यहाँ पर, आप देखिए हमारे ये दो ट्रांजिस्टर खराब हैं और हम इनको चेक करके आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए,
कि हम किस तरह से चेक कर रहे हैं। इनको चेक करना बहुत आसान है। आप ये देखिए कि इनके अंदर तीन पिन है। इन तीन पिन में से आप कोई भी दो पिन लीजिए और उनका कॉम्बिनेशन मिलाइए। सबसे पहले हमने पहली और दूसरी पिन ली, पहली और दूसरी पिन की कॉन्टिन्यूटी नापिए तो करंट फ्लो बढ़ जाएगा। उसके बाद अपनी कॉन्टिन्यू टेस्टर को पलट कर दोबारा से उन्हीं पिनों के ऊपर लगाइए। आप देखेंगे करंट फ्लो नहीं करेगा, इसका मतलब ये दोनों पिन ठीक है। अब पहली दूसरी हमने चेक कर लिया, इसके बाद आप दूसरी तीसरी को इसी तरह से चेक करिए तो आप देखेंगे कि आपकी यह दूसरी तीसरी भी ठीक होगी। इसके बाद अब आप पहली और तीसरी पिन को चेक करिए, अगर पहली और तीसरी पिन में भी इसी तरह से चेक करिए और ये ठीक निकली तो इसका मतलब आपका यह ट्रांजिस्टर बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर किसी भी कॉम्बिनेशन में यह स्थिति अलग हो जाती है तो आपका यह खराब होगा। यह एक सिंपल सा फंडा है ट्रांजिस्टर को चेक करने का। इससे आप ट्रांजिस्टर, IGBT, MOSFET या अगर 3 पिन वाली कोई IC है उसको भी आप बड़े आराम से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे इस वेल्डिंग मशीन में हमारी दो ये ट्रांजिस्टर ही खराब थे और जैसे ही हमने इनको रिप्लेस किया हमारी मशीन बिल्कुल तैयार हो गई, दोबारा से चलने लगी। तो दोस्तों हमने बिल्कुल क्लेरिफाई कर दिया है वेल्डिंग मशीन के बारे में, लेकिन अब भी अगर आपका कोई डाउट बच गया है तो आप बिल्कुल भी झिझक ना करें, इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और अपनी प्रॉब्लम को लिख दें। भले ही वो वेल्डिंग मशीन से रिलेटेड हो या फिर आपके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हो उससे रिलेटेड हो, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जल्द से जल्द 1 या 2 दिन के अंदर हम आपके कमेंट का जवाब देंगे और आपकी उस दिक्कत या परेशानी को बड़े आराम से दूर कर देंगे। और दोस्तों और आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसको सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।